नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस लॉकडाउन के बीच पूरा देश परेशान है। कहीं किसी को गांव जाने की फिक्र है तो कहीं किसी को राशन की फिक्र है। खासकर रिक्शे वालों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच रिक्शा पर रोक लगी हुई है, सारी रिक्शा बंद है। मुमरा में इन रिक्शे वालों के लिए राशन भेजा गया है। ये राशन शिवसेना के तरफ से भेजा गया है। एमपी श्रीकांत शिंदे ने मुमरा में एनसीपी के नगर सेवक जफर नोमानी के यहाँ राशन भेजा है, और ये राशन सिर्फ 200 रिक्शे वालों के लिए भेजा गया है। सिर्फ जिसके पास बैच या लाइसेंस है, ये राशन उन्हीं को दिया जाएगा। सुनिए जफर नोमानी ने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमको जो हमारे खासदार साहब हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उनका कॉल आया था कि जो रिक्शा वाले हैं जिनके पास लाइसेंस और बैच है, बोले हम उनको राशन भेज रहे हैं आपके पास और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने मस्जिद से ऐलान किया था। अब मस्जिद से ऐलान करने के बाद हमने ऐलान किया था कि जिनके पास लाइसेंस और बैच है वो लोग आएँ और अपने पास हमारे पास नाम की एंट्री करवाएं। कल उन लोगों ने एंट्री करवाया था और राशन आज हमको आ गया है। तो आज हम माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने हमको ये राशन भेजा है। श्रीकांत शिंदे साहब जो एमपी हैं हमारे, उन्होंने भेजा है। रामाकांत मड़वी साहब, राजन किनी साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा है इसको हमारे तक पहुंचाने में। मैं इन तमाम लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गरीबों के लिए आया है जो रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आज हर आदमी परेशान है, तो उनके लिए राशन आया। और ये हम राशन उनको उनका लाइसेंस और बैच दे करके उनको हम इनका नाम हमने एंट्री किया, हम उनको दे दें। 200 लोगों का राशन आया है। लाडले एमएलए जितेंद्र अवार साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब, जिनकी दुआओं से हम लोग लगे हुए हैं, इस लॉकडाउन में मेहनत कर रहे हैं, और उनका पूरा सहयोग है हमको। उन लोगों की दुआओं से, तमाम लोग की दुआओं से, और मुमरा कोसा की तमाम आवाम की दुआओं से हम मेहनत कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो चीज़ हमारे तक आएगी गरीबों के लिए, हम इंशाल्लाह उनको एक एक दाना उनको तक, जो चीज़ें भी आएंगी एक एक दाना हम उनको तक पहुँचा देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।